नाज़रीन, आज पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का दिन है। आज हम जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं, ये तमाम गैर मामूली काम कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारे हीरो हैं और आज हम उन्हें एक ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं एक ऐसे ही हीरो की। मास्टर अयूब इनका नाम है, जो कि इस्लामाबाद में अपनी मदद आपके तहत गुज़िश्ता 40 साल से गरीब और नादार बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। ओपन एयर एक स्कूल चला रहे हैं जी, एक ग्राउंड में, और बड़ा ही ये नेक काम कर रहे हैं। इनके ये जो तालीमी और समाजी खिदमात है, उसके एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान इन्हें तमगा बराए हुस्ने कारगर्दगी से नवाज चुकी है। इसके अलावा 2018 में मलका बरतानिया लिस्बन दोम की जानिब से कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट एजाज से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। तो उनसे बात करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम करते हैं। आपने 1982 से अपनी मदद आपके तहत गरीब और नादिर बच्चों की खिदमत करनी शुरू की तालीम की सूरत में। ये जज्बा कैसे पैदा हुआ, अपने सफ़र के बारे में बताइए। मैं जिस महकमे में मुलाजिम था, तो उस मुलाजमे से मैंने इस्लामाबाद की जो सर्वे की, तो देखा मैंने कि गरीब गुरबा बच्चे जो हैं उन पर अजियत हो रही है। कोई बच्चे आवारा फिर रहे हैं, कोई बच्चे नशे में लगे हुए हैं, कुछ बच्चे चोर हैं जिनके पर बहुत सारी अजियतें हो रही हैं। जिसको मद्देनज़र रखते हुए अपने दिल में एक ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं अगर इन बच्चों की, गरीब बच्चों की मदद करूँ तो ये बच्चे बेकार कामों से बच सकते हैं, आवारा गर्दी से बच सकते हैं, नशे से बच सकते हैं और पढ़ लिख कर आगे जा सकते हैं। तो एक बच्चा जो सारा दिन गाड़ियाँ धोता था, उससे मैं ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ। उसका ना माँ था, माँ थी ना उसकी, ना बाप था। उससे मैंने पूछा, भाई ये सारा दिन तुम गाड़ियाँ धोते पढ़ते क्यों? तो वो कहता है कि मेरी फ़ीस के पैसे और मेरी किताबों के पैसे तेरा बाप देगा। बस इस बात ने मुझे मुतासर किया। मैंने कहा अब तो मैंने करना ही करना है। मैं खुद अपने पास से कापियाँ लाया, किताबें लाया, और उसका बाप नहीं था, रवानी बाप बन कर मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया। 5 साल तक पढ़ाता रहा और उसको मैंने मैट्रिक करवाई। इसी तरह और कई गरीब गुरबा बच्चे आए जिनसे मेरा वास्ता रहा। फिर करते करते मेरी तादाद बढ़ती गई, मेरा भी शौक़ पड़ता रहा कि इन बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि ये बच्चे पाकिस्तान के लिए कोई खिदमत कर सके, ना कि नशे में चले जाएं, चोरियों में चले जाएं, आवारा गर्दी में चले जाएं, ना पढ़ सकें। तो इस काम को इसलिए मैंने सर अंजाम दिया ताकि मुल्क की खिदमत करूं। तो इस हवाले से करूं कि ये बच्चे जाके आगे तरक्की पाएं। सर, बड़ा ही खूबसूरत काम आप कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अब तक कितने बच्चों को आप तालीम दे चुके हैं और ये बच्चे तालीम हासिल करके किन किन शोबों में इस वक्त मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। मैंने जो काम ये शुरू किया था सन 1982 में शुरू किया था, आज 40 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए और फीस भी दिल्ला। तो मैं तकरीबन हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, जिनके रजिस्टर, हाज़री सब कुछ मेरे पास मौजूद है। जो इस वक्त कई जगह पर जा चुके हैं, कोई कॉलेजों में भी गए हैं, कोई यूनिवर्सिटी में भी गए हैं, कुछ आर्मी में गए हैं, पुलिस में गए हैं, CDA में गए हैं, और नर्सिंग के अंदर भी कुछ लड़कियाँ गई हैं जो मुझसे पढ़ के आगे तरक्की पा गई हैं। मास्टर जी, आप हमारा फ़ख्र हैं, आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। आपको बरतानवी मलका क्वीन एलिजाबेथ दोम की जानिब से भी अवार्ड से नवाजा गया। हमें ये भी पता चला कि 14 मुल्कों के सफीरों की बेगमात ने भी आपके इस काविश को सराहा। जब इस तरह से अप्रीशिएट किया जाता है, कितना अच्छा लगता है आपको? मुझे मेरे अपने महकमे ने अवार्ड दिया, उसके बाद मुझे मेरे अपना एजुकेशन ने अवार्ड दिया, फिर उसके बाद मुझे 2015 में सदारती अवार्ड उसने कर्ज़गर्दगी मिला कि ये बच्चों को ज़मीन में बैठ के पढ़ा रहा है। इसके बाद मुझे पिलर ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड मिला, जो उस वक्त यहाँ पर मीडिया थी, मीडिया ने कहा कि आज की जो कवरेज है उसको हम अवार्ड देंगे। तो मेरी कवरेज उस वक्त ज़्यादा थी क्योंकि मैं तो गरीब बच्चों को पढ़ाता था और आगे लेके जाता था, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। तो उन्होंने मुझे एक अवार्ड दिया। उसके बाद मुझे तुर्की की यह टीम आई, तुर्की ने मेरी पूरे बच्चों की बाकायदा एक एक कापी बनाई, फाइल बनाई, उनकी तस्वीरें ली और तुर्की चले गए। और तुर्की से जाकर मुझे 15 दिन के बाद उन्होंने लेटर लिखा, हम आपको तुर्की बुला रहे हैं, यहाँ पर दुनिया इकली के एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो आपको इंटरनेशनल अवार्ड दे रही है। तो उस वक्त मुझे 2017 में तुर्की से अवार्ड मिला। उसके बाद मुझे अपना ये हकीम सईद साहब, जो कि गवर्नर सिंध थे उस वक्त, अपनी ज़िंदगी में मेरा अवार्ड इन्होंने लिख दिया था। लेकिन वो बाद में शहीद हो गए। मास्टर जी, आप भी पाकिस्तान हैं और हम भी पाकिस्तान हैं और आज यौमे पाकिस्तान है, तो फिर एक पाकिस्तानी का, जो हज़ारों लाखों देखने वाले पाकिस्तानी हैं, उनको क्या पैगाम? अपने पाकिस्तानी भाइयों को, दोस्तों को, बहनों को, अजीज़ों को, बड़ों को, छोटों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आओ, मेरे पाकिस्तान के अंदर तालीम की कमी है। अगर हम ग्रीन गरीब गुरबा बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे
तो ये कल के लिए नशे वाले बन जाएंगे, ये चोर बन जाएंगे, ये डाकू बन जाएंगे, ये दहशत गर्दों के साथ मिल जाएंगे। आओ अगर मुल्क की तरक्की चाहते हैं, मुल्क के अंदर तालीम का इजाफा करें और मिल जुल कर इस काम को करें और इन गरीब बच्चों को पढ़ाएं ताकि ये नशे की तरफ ना जाएं, ये चोर ना बने, ये दहशत गर्दों के हाथ ना आए, और हम मिल कर इनको तालीम देंगे तो मेरा मुल्क तरक्की करेगा। कोई साइंसदान बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कॉलेजों में जाएगा, कोई यूनिवर्सिटियों में जाएगा, तो मेरे मुल्क की कितनी तरक्की होगी और मेरा मुल्क कितना खुशहाल होगा। आओ मैं जिस काम के लिए लगा हूँ मेरे साथ उठो और गली कूचों में के अंदर तालीम को फैलाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि पैसे लेके ही करो, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि थोड़े पैसे ले लो और थोड़े पैसे लेकर इन बच्चों को पढ़ाओ ताकि आगे वाला मकाम भी आपका अच्छा हो, यहाँ भी मकाम का अच्छा हो। हर चीज़ पैसा नहीं है, हर चीज़ ज़मीन नहीं है, दौलत नहीं है। आओ किसी के काम आए ताकि अल्लाह तुम्हारे काम आए और मुश्किल वक्त में अल्लाह तआला आपकी मदद करे। बहुत खूबसूरत। तो ऐसा है मेरा पाकिस्तान और ये है मेरे पाकिस्तान के हीरोज़ जिनको कोशिश की गई कि आज के दिन उनमें से चंद आपको दिखाए जाएँ। तो मास्टर जी हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। और सुनो न्यूज़ जो है वो प्लेटफॉर्म ऐसा दिया गया उसको कि जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान के अनसंग हीरोज़ हैं। हाँ बिल्कुल, अनसंग हीरोज़। और अब वो अनसंग हीरोज़ नहीं रहेंगे क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म से उन्हें उजागर करते रहेंगे। और आज के दिन के मुनासिबत से हमारी टीम को स्पेशली खराज तहसीन के वो इन तमाम लोगों को सामने लेकर आए हैं और बहुत सारे लोग जो है इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँचेंगे।